वीक में सर से पढ़ो और वीकेंड में सर से मिलो। नई प्रॉब्लम का न्यू एज सॉल्यूशन, इंट्रोड्यूसिंग आकाश हाइब्रिड क्लास, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्बो ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। घर में प्रिपरेशन, क्लासरूम फॉर डाउट सेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूर्व परीक्षा है वो हो रही है और ऐसे परीक्षार्थी हैं वो जो इस परीक्षा सेंटर में पहुँचे हैं जिसको देख करके सभी हैं वो हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। जी हाँ, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला आज विद्यार्थी बनकर के परीक्षा केंद्र पे पहुंचे हैं और हम आपको बता दें कि 2 बजे उनका पेपर है वो होना है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के ओपन बोर्ड की परीक्षा है वो ओम प्रकाश चौटाला दे रहे हैं। 10वीं का उनका अंग्रेजी का पेपर है वो आज वो देंगे और हम आपको बता दें कि इस पेपर्स को लेकर के, क्योंकि इनका रिजल्ट है वो रोका गया था और इसके बाद उन्होंने जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अपील की थी एग्ज़ाम देने की, तो उनको परमिशन दी गई है और आज है वो पेपर देने के लिए इस परीक्षा हाल में पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है सिरसा का, जहां पर ओम प्रकाश चौटाला है वो परीक्षा देंगे और ख़ास बात यह भी है कि इन्होंने जो है परीक्षा देने के लिए एक सहयोगी की मांग है वो की थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि परीक्षा के लिए जो है उम्र के हिसाब से लिखने के लिए सहयोगी मांगा था और उन्होंने कहा था कि उनके हाथ पे चोट लगी है इसलिए जो है उनको सहयोगी दिया जाए और ऐसे में बोर्ड ने उनकी मांग को लिखने के लिए सहयोगी को मंजूर कर दिया था और आज जो है सहयोगी है वो उनको दिया जाएगा। और सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आज ओम प्रकाश चौटाला एक स्टूडेंट बनकर के जो परीक्षा हाल में पहुंचे हैं और वो जो है परीक्षा देंगे। 10वीं के अंग्रेजी के पेपर है वो ओम प्रकाश चौटाला है वो देंगे और हम आपको बता दें कि नकल रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से जो है 57 फ्लाइंग टीमें हैं बनाई गई हैं। परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से लंबे समय से तैयारियाँ हैं वो की जा रही थी और हम आपको ये भी बता दें कि जो है प्रदेश भर में 110 परीक्षा केंद्रों पर 45,121 विद्यार्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं और जो है सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 18 और 19 अगस्त को परीक्षा वो देंगे और इसके साथ साथ जो है दोपहर की शिफ्ट में भी DLED की परीक्षा भी होगी। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला है वो अंग्रेजी का पेपर देने के लिए आज जो है आर्य समाज रोड पर स्थित जो है आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने अंग्रेजी का पेपर दिया है। जब ओम प्रकाश चौटाला से जब सवाल पूछा गया था कि वो जो है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने एक स्टूडेंट की भाषा में कहा कि स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी बाइट नहीं देते और इसको लेकर के वो नो कमेंट्स कहेंगे, क्योंकि कोई भी कमेंट्स हैं वो नहीं देंगे। और चूंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनको देखकर के ऐसा लग रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला है वो निश्चित रूप से जो 10वीं का ये अंग्रेजी का पेपर है वो पास कर लेंगे। तो फिलहाल जो है बड़ी खबर कि ओम प्रकाश चौटाला स्टूडेंट्स बनकर के परीक्षा हाल में पहुंचे हैं और वो एग्ज़ाम देने के लिए जो है परीक्षा हाल में बैठ गए हैं। 2 बजे ये परीक्षा शुरू होनी थी और 10 मिनट पहले है ओम प्रकाश चौटाला है वो परीक्षा केंद्र में पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।